बुलंदशहर जिले के सिकंदराबाद में इस भयंकर कोरोना काल में भी लग रहा अवैध साप्ताहिक बाजार, जबकि गुरुवार को लगने वाले साप्ताहिक बाजार को जेवर रोड पर दी गई है अनुमति। फिर भी नगर के मोहल्ला अंसारियान में अवैध रूप से लग रहा साप्ताहिक बाजार, जिसमें सामाजिक दूरी का नहीं हो रहा दूर दूर तक भी पालन और न ही मास्क लगाने की है कोई जरूरत। मजे की बात यह कि दूर दूर तक तहसील प्रशासन, नगर पालिका प्रशासन या पुलिस प्रशासन के नहीं हुए दर्शन। क्या इस तरह साप्ताहिक बाजार लगना इस विषम कोरोना काल में आमजन के लिए मौत की दावत देने जैसा नहीं होगा? ज्ञान न्यूज सिकंदराबाद से मनीष शर्मा की रिपोर्ट। इस तरह बुलंदशहर जिले के सिकंदराबाद में जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक अवैध रूप से पैक चल रही है और ये सब प्रशासन की निगाह में है, लेकिन यहाँ पर कोई पुलिस कर्मी, कोई नगर पालिका कर्मी, कोई एसडीएम महोदय कोई भी यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। और हम आपको बता दें कि प्रशासन द्वारा नियुक्त जो पैक का स्थान है वो दूसरा नियुक्त किया गया है, उसके बावजूद ये कोरोना काल में आप देख पा रहे हैं कि ये अवैध पैक यहाँ पर चल रही है। और जहाँ पर देखने में आ रहा है यहाँ पर किसी तरह के मास्क लगाने का प्रतिशत बहुत कम दिखाई दे रहा है। इसमें सब कुछ ऐसे ही चल रहा है, क्या ये बीमारियों को नौका देने वाली बात नहीं होगी? एक तो अवैध पैक, उस पर कोरोना काल में ये बिना मास्क के, बिना सोशल डिस्टेंस के भीड़ ऊपर टूटी जा रही है। और ये अवैध पैक बुलंदशहर जिले के सिकंदराबाद में मोहल्ला अंसारियान में चल रही है। और देखना यह है कि प्रशासनिक अधिकारी, चाहे वो तहसील स्तर के हों, चाहे वो नगर पालिका स्तर के हों, चाहे वो पुलिस विभाग हो, इस पर कोई कार्रवाई करेंगे या नहीं, या ये बीमारियों को न्योता देने वाली बात पैक लगातार ऐसी चलती जा रही है, चलती रहेगी आखिर कब तक? कैमरा पर्सन गौतम प्रसाद, मनीष शर्मा की रिपोर्ट।